हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कपड़ों को किस तरीके से विभिन्न तरीके से रंगा जाता है, कृत्रिम रंगों के द्वारा भी रंगा जाता है, रासायनिक रंगों के द्वारा रंगा जाता है, नेचुरल कलर्स के द्वारा भी रंगा जाता है, विभिन्न अलग अलग तरीके से कलर्स को रंगा जाता है। अब हम देखते हैं कि कलर्स को किन अवस्थाओं में रंगा जाता है, यानी जब कपड़ा बन रहा होता है। कपड़ों की मुख्यतः मेजर रूप से तीन अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था होती है कि जब वह रेशा होता है, कपड़ा नहीं होता है, फर्स्ट स्टेज में वह रेशा होता है। क्या तब हम रंग सकते हैं? बिल्कुल, तब हम रंग सकते हैं। फिर जब रेशे आपस में मिलकर क्या बनते हैं? धागों का निर्माण करते हैं। क्या हम तब कपड़ों में रंग सकते हैं? बिल्कुल, हम तब भी रंग सकते हैं। और फिर जब कपड़ा का निर्माण हो जाता है, वह ऑफ वाइट वाइट कलर में होते हैं, क्या तब हम रंग सकते हैं? बिल्कुल, हम तीनों थर्ड स्टेज होती है, जब कपड़ा बन के तैयार हो जाता है तब भी हम रंग सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कपड़ा बनने की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है रेशा, एक होता है धागा, और फाइनल स्टेज होती है वस्त्र बनना। तीनों स्टेज में हम हमारे हिसाब से, जैसे हमारी ज़रूरत होती है, जो टेक्निक हमें अच्छी लगती है, जो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल होती है, जो टेक्निक से रंग पक्का चढ़ता है, जो जो सस्ती पड़ती है, जो ग्राहक को सस्ती पड़ती है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होती है, उस हिसाब से हम इसको रंग सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशों की रंगाई। इसमें रंगों रंगाई की तीन अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था रेशों की रंगाई, दूसरी अवस्था है धागे की रंगाई, और तीसरी अवस्था है वस्त्र की रंगाई। तो सबसे पहली अवस्था होती है रेशों की रंगाई। तो रेशों की रंगाई में हम देखते हैं कि इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है टॉप रंगाई, ठीक है। टॉप रंगाई में जब ये वस्टर्ड ऊल के ऊपर रंगाई जाती है, जब ऊन कच्ची होती है, जब पूनिया बनाई जाती है, आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, जब मेरे पुराने वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि ऊन का निर्माण किस तरह होता है। तो जब हम पूनिया बनाने की स्थिति में होते हैं, जब धागा कच्चा होता है, जब रेशा ही होता है, जब पूनिया बन रही होती हैं, तब हम उसको रंग देते हैं, तो वह वाली अवस्था होती है टॉप रंगाई। फिर नेक्स्ट रंगाई की अवस्था होती है डॉप रंगाई। यह भी प्राकृतिक रेशों में ही रंगी जाती है। ये दो जो रंगाई होती है वह कौन सी अवस्था में होती है? प्राकृतिक रेशों के अंदर की जाती है। इसमें भी जो रेशे होते हैं, इनको कलर के अंदर धागा बनाने से पूर्व डिप कर दिया जाता है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में ज़्यादा गहरा कलर चढ़े, और कलर चढ़ने के चढ़े और कलर पक्का चढ़े और थोड़ा सस्ता भी पड़े, इसलिए हम टॉप रंगाई एवं डॉप रंगाई करते हैं। नेक्स्ट अवस्था आती है रेशों की रंगाई में स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई जो होती है वह आर्टिफिशियल रेशों के ऊपर की जाती है, कृत्रिम रेशों के ऊपर की जाती है। जब स्पिन रेट, हमने हर जितने भी हमने कृत्रिम रेशे देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट स्टेज होती है उसको कि स्पिन रेट से के छिद्रों से गुजारना, ठीक है। जब हम उसको स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारते हैं, उससे पहले, ठीक है, जब लिक्विड को, केमिकल्स को हम स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारते हैं, उसके धागे का निर्माण कर रहे होते हैं, उससे पहले जो लिक्विड होता है, जो सेमी लिक्विड होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? कलर डिप कर देते हैं। तो एक पूर्णतः कलर में डिप हो जाते हैं, जो घोल होता है वह कलरफुल हो जाता है, और उसके बाद में हम इसको स्पिनरेट के छिद्रों से घुमाते हैं, जिस भी कलर में हमने डिप किया होता है उस कलर का धागे का निर्माण हो जाता है। तो यह जो मैंने आपको अभी मेथड बताया, यह मेथड रेशों की रंगाई का था। इसमें कपड़ों का या धागों का निर्माण नहीं होता है, वेरी फर्स्ट स्टेज पे ही हम इसको रंग देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर जो रंग देते हैं वह पक्का कलर होता है, उसे कलर निकलने का डर नहीं रहता है। इसलिए डर नहीं रहता है क्योंकि ये वेरी फर्स्ट स्टेज रेशों के ऊपर ही हम इसको रंग देते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम धागों की रंगाई। सूती एवं लिनन धागे जो होते हैं, जब धागे बन के आ जाते हैं, हमारे पास कंप्लीट तैयार होते हैं, तब हम उनको बड़े सारे कंटेनर में लेके डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उनको काफ़ी देर तक अंदर पानी में ही रहने देते हैं, कई बार उनको खोलते पानी में भी चढ़ा देते हैं, जिससे जो धागे होते हैं वह पूर्णतया
कलर हो जाए, कलर में डिप हो जाए। इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमने कृत्रिम रेशों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने केवल सूती और लिनन रेशों का इस्तेमाल किया, हमने ऊनी रेशों का भी इस्तेमाल नहीं करा है। ऊनी रेशों को के लिए हम टॉप रंगाई यहीं पे कर देते हैं, हम धागे की रंगाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वस्त्र की रंगाई। जब हमारे पास वस्त्र बनके तैयार हो गया है, ठीक है, चाहे आप कृत्रिम रेशों से वस्त्र बनाएं, चाहे आप प्राकृतिक रेशों से बनाएं, जो कलर हमको मिलता है वो ऑफ वाइट, बहुत वाइट कलर का मिलता है, ठीक है, शेड्स ऑफ वाइट से मिलते हैं हमें। हमें शेड्स ऑफ वाइट्स नहीं चाहिए होते हैं, हमें लाइट कलर्स नहीं चाहिए होते हैं, हमें क्या होती है ज़िंदगी में बहुत सारे ब्राइट कलर्स, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स चाहिए होते हैं। तो हम एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारे पास वस्त्र बन के तैयार हो जाता है, तब हम इसको रंग भी सकते हैं, ठीक है। इसमें हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड होता है जिंग रगाई। जिंग रगाई इसलिए नाम दिया गया है उसको वस्त्र बनने के बाद में, कि हमने जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर, उस इक्विपमेंट का नाम जिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। आपके पास में बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, ठीक है, रोलर्स के ऊपर पूरी तरीके से कपड़े को लपेट दिया जाता है, और कलर के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उस कंटेनर्स में उसको डिप कर दिया जाता है और कपड़ा अपने आप, जो रेशा होता है वो अपने आप कलर में सोख लेता है, ठीक है। रंगने के लिए कौन सा रंग लेंगे, अम्ले रंग लेंगे, शारे रंग लेंगे, उदासीन रंग लेंगे, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। पर हमारे पास अभी मैटर है कौन सी अवस्था में हम किस तरीके से रंग करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, जिंग रंगाई रंगी। जिंग रंगाई का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके अंदर जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं डेट इज़ जिंग, ठीक है। और इसके अंदर एक रोलर होता है, रोलर में आप कपड़े को अच्छी तरीके से लपेट देते हैं, लपेटने के बाद बड़े कंटेनर में उसको डिप कर देते हैं, डिप करने के बाद उसको घुमाया जाता है, बार बार घुमाया जाता है कंटेनर में, तो ताकि जो रेशा है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कलर को एब्जॉर्ब कर सके। फिर है क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई उन कपड़ों पे की जाती है जिनमें हम दो अलग अलग तरह के धागों का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े बनाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं हम आजकल, क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ कपड़े चाहिए होते हैं और मार्केट में आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये कपड़ा कौन सा वाला है। जो दुकानदार कहते हैं आपको मानना पड़ता है, जब तक आपके पूरी अच्छी तरीके से परख ना हो, आपको अच्छी तरह जानकारी ना हो कि ये कपड़ा ये है। तो जो मार्केट में कपड़े अवेलेबल हैं, जो वस्त्र अवेलेबल हैं, वो अलग अलग धागों से, ताना सूती का है और बाना जो है वो नायलॉन का लेके बनाया जा सकता है, इस तरीके से कपड़ों का निर्माण होता है। यानी आप देखें, हमने दो तरह के वो लिए, एक हमने सूती लिया और एक हमने कौन सा लिया, नायलॉन लिया। अब सूती में अलग तरीके से कलर चढ़ेगा और नायलॉन में अलग तरीके से कलर चढ़ेगा। तो अगर जिस तरीके से कलर चढ़ता है उस कलर को हम बोलते हैं क्रॉस रंगाई, ठीक है। और यह वस्त्र बनने के पश्चात चढ़ता है, ठीक है। वस्त्र बन गया, वस्त्र बनने के पश्चात हमने कौन सी रंगाई करी, इसके अंदर क्रॉस रंगाई करी। क्रॉस रंगाई में दो से अधिक रेशे जिस कपड़े में इस्तेमाल होते हैं उसमें कलर चढ़ाया जाता है। अच्छा, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि जैसे हमने कलर कंटेनर में वस्त्र को डिप करा, तो क्योंकि दो अलग अलग वैरायटी ऑफ रेशे थे, एक सिल्क था, एक नायलॉन था, या जो भी वैरायटी ऑफ कपड़े थे, रेशे थे, एक ने बहुत अच्छी तरीके से, एक रेशे ने, सपोज कॉटन है, कॉटन ने बहुत अच्छी तरीके से कलर को एब्जॉर्व कर दिया, वहीं नायलॉन ने उतनी अच्छी तरीके से कलर को एब्जॉर्व नहीं कर पाया। तो एक रेशा क्या हो गया, डार्क हो गया, एक रेशा लाइट हो गया। तो लाइट डार्क का जो कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से वह बन सकता है, तो ये क्रॉस रंगाई कहलाई जाती है। बंधेज रंगाई। बंधेज रंगाई वह रंगाई होती है कपड़े बनने के पश्चात कि जहां आपको रंग नहीं चढ़ाना है वहां धागा बांध दिया जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में बहुत फेमस है, कॉटन के ऊपर की जाती है, वैरायटी ऑफ बंधेज बनाई जाती है, वैरायटी ऑफ बंधेज के नाम भी अवेलेबल होते हैं। बस इसमें यह करना होता है जहाँ आपको रंग नहीं चाहिए होता है वहाँ अच्छी तरीके से धागा बांध दिया जाता है, कलर में आपको डिप करना पड़ता है और 15 से 20 मिनट तक कपड़े को और कलर को उबालना पड़ता है। उसके बाद आप कपड़े बंधेज का जो धागा है वहाँ खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ आपने धागा बांधा है वहाँ पे कलर नहीं डिप हुआ है, बाकी जगह कलर चढ़ चुका है। फिर है रील रंगाई। रील रंगाई उन कपड़ों पे की जाती है जिन कपड़ों में वजन हल्के होते हैं, जिन वस्त्र के वजन हल्के होते हैं। वस्त्र कौन से वजन के हल्के होते हैं, क्या कॉटन के हल्के होते हैं, बिल्कुल नहीं।
क्या ऊन हल्का होता है? नहीं। क्या सूती हल्का, क्या सिल्क हल्का होता है? बिल्कुल। तो आप देखेंगे सिल्क है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, जो वजन में जो हल्के वस्त्र होते हैं उनके ऊपर रील रंगाई की जाती है ताकि वह तुरंत से कलर को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर होती है संयुक्त रंगाई। संयुक्त रंगाई और क्रॉस रंगाई, इनमें उन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो से अधिक विभिन्न रेशे होते हैं। क्रॉस रंगाई में हमने देखा था कि हमने एक कलर में डिप करा, किसी रेशे ने कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, किसी रेशे ने कलर कम एब्जॉर्ब किया, कहीं लाइट और डार्क टिंट और शेड ऑफ कलर समय नज़र आने लगे। परंतु इसका विपुल विपरीत होता है संयुक्त रंगाई में। इसके अंदर रेशे तो अलग अलग हैं, कॉटन है, नायलॉन है, दो अलग अलग तरह के रेशे ताने बाने से हमने क्या वस्त्र का निर्माण कर दिया, पर हमें कलर एक ही चाहिए। ठीक है, कलर हमें एक ही चाहिए। कॉटन में कौन सा रंग का इस्तेमाल होता है? उदासीन रंग का। नायलॉन में कौन सा रंग का इस्तेमाल होता है? शारीर रंग का। अब हमें दोनों में एक कलर चाहिए तो हम दोनों मेथड को मिक्स कर देते हैं, उदासीन रंग का और एसिड रंग का, इन दोनों का मेथड को मिक्स करके फिर हम अगर रेशों को रंगते हैं तो इसको मेथड को बोलते हैं संयुक्त रेशे के द्वारा रंगाई करना। लास्ट है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, जैसे कि आप नाम से ही इंडिकेट है, हमने ह्यूमन वर्क इसमें नहीं करता है, इसमें केवल और केवल मशीन का कार्य होता है, जहां बहुत लंबे थान, बड़ी साइज के कपड़े जिनकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं आ सकती है, उनको हम मशीन के द्वारा रंगाई करते हैं। इसके अंदर प्रोसेस यही होता है, कपड़े को ले लिया जाता है और कलर के जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर मशीन के द्वारा डिप कर करके उसको कलर को वस्त्र को कपड़ों के अंदर रंग दिया जाता है। हमने अभी देखा वस्त्र के तीन अवस्थाओं में रंग सकते हैं, एक रेशों की अवस्था में, एक धागे की अवस्था में और कपड़ों की अवस्था में। अलग अलग तरीके से मेथड अवेलेबल होते हैं, जिस हिसाब से मशीन की अवेलेबिलिटी होती है, ह्यूमन पावर अवेलेबिलिटी होती है, मनी अवेलेबिलिटी होती है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर होती है, उसके हिसाब से कपड़ों को रंगा जाता है। और रंगने की अवस्था में रेशों की अवस्था होती है, अगर उसमें अगर वस्त्रों को रंग दिया जाता है तो वस्त्रों में रंग जो है वह कंपैटिवली वस्त्र जो रंगा जाता है उसके अंदर से पक्का रंग चढ़ता है, ज़्यादा चटकीले रंग चढ़ जाते हैं और वह जो वस्त्र बनता है वह लंबे समय तक उसके अंदर कलर रहता है।